वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज अनदर वर्ड एन इगोइस्ट। आज आपको बताएंगे एन इगोइस्ट के बारे में। एन इगोइस्ट होता है क्या? ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अगर व्हाट पावर मेड इजी बुक नहीं पढ़े हैं, व्हाट पावर मेड इजी, इससे पढ़ने से क्या होगा, आपका वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इसमें रूट वर्ड के थ्रू हम लोग को क्या किया जाता है, समझाया जाता है। बहुत सारा रूट वर्ड होता है, जैसे कि हम लोग जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे बायोलॉजी, बायो मीन्स क्या होता है, आपका लाइफ होता है, और लॉजी मीन्स क्या होता है, आपका स्टडी करना होता है। यही बायोलॉजी में किस चीज़ का स्टडी करवाया जाता है, लाइफ के बारे में, इसलिए उसका रूट वर्ड हो गया बायोलॉजी। ठीक है, आपका रूट वर्ड से बना हुआ तो इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया है। तो कौन सा वर्ड हम लोग देख रहे थे? इगोइस्ट देख रहे थे। इगोइस्ट कैसा शख्स होता है? अ सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन, मी फर्स्ट है, ये क्या होता है, सेल्फिश पर्सन होता है। इगोइस्ट कैसा रहता है? आपका सेल्फिश पर्सन रहता है, सेल्फिश पर्सन रहेगा, ये हमेशा क्या करेगा, अपने ही बारे में सोचेगा। सेल्फिश पर्सन, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं, वो अक्सर किसी बारे में सोचेगा, मी फर्स्ट है, बोलेगा मी फर्स्ट है, यानी किसी काम में वो क्या कहेगा, मेरा फायदा होना चाहिए, यानी वो सेल्फिश रहता है। आप लोग अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे शख्स होते हैं जो काफ़ी सेल्फिश होते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, मी फर्स्ट है, मतलब सिर्फ अपने के लिए। और क्या होता है, एवरी डिसीजन यू मेक इन योर लाइफ इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज, व्हाट इज इन, उसका क्वेश्चन यही रहता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कि एवरी डिसीजन यू मेक इन योर लाइफ इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, एंड इगोइस्ट जो रहता है उसका कोई भी सवाल का जवाब एक ही रहता है। जैसे पहले सवाल आएगा, ठीक है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या होगा, ये व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरा क्या होगा, इससे मुझसे क्या फायदा होगा, तभी हम करेंगे, एंड इगोइस्ट हो जाएगा। ठीक है, इगोइस्ट पर्सन काफ़ी कमजोर भी हुआ करते हैं, मतलब वो अपने बारे में सोचेगा कि पहले मेरा इससे क्या होने वाला है, तो उसका सवाल ये जरूर रहेगा, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या मिलेगा, मेरा क्या हो सकता है, ठीक है, मेरे लिए क्या फ़ायदा है, तो बहुत सारा के वो सवाल करेगा। ठीक है, क्योंकि वो सेल्फिश है, एन एगोइस्ट पर्सन है, और एन एगोइस्ट पर्सन क्या हो गया, आई डू नो दैट ही इज अ सेल्फिश। अब क्या देख सकते हैं इसके बारे में, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि माई कजन इज सच एन एगोइस्ट है, माई कजन माई कजन इज सच एन एगोइस्ट है, सच एन इगोइस्ट हो जाएगा, तो दैट ही ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ है, दैट ही ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ। मीन्स एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, माई कजन इज सच एन इगोइस्ट दैट ही ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ है, मेरा कजन क्या है, एक तरह का इगोइस्ट है, वो सिर्फ क्या करता है, अपने ही बारे में परवाह करते रहता है, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते ही रहता है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ और किसी के बारे में, सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा, मीन्स ये क्या रहता है, सेल्फिश रहता है आपका, यानी इगोइस्ट पर्सन किसे कहेगा, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, और मी फर्स्ट है, अक्सर क्या कहेगा वो कि मेरा उससे क्या होने वाला है, और एक क्वेश्चन हमेशा उसके माइंड में रहेगा, कौन सा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इससे मेरा क्या होगा, मेरे लिए क्या फ़ायदा है, तभी हम जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं बोलेगा चलो पारसनाथ घूम के आते हैं, तो वो उसके दिमाग में सवाल उठेगा, व्हाट इज इन इट फॉर मी, पारसनाथ जाने से क्या होगा, मेरा कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, तो
अगर फायदा है तो जरूर जाएगा, ठीक है। तो इन इगोइस्ट मतलब आप समझ सकते हैं, ये वर्ड समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अक्सर एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है इस तरह का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।